नमस्कार। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, फोर बेस्ट पोजीशंस फॉर सेक्स। मैं हूं डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारी सेक्स एजुकेशन की सीरीज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फुल सेक्स एजुकेशन की सीरीज़ को आप ज़रूर देखिए। तो आज हम डिस्कस करते हैं, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैम एक सेक्स पोजीशन के ऊपर भी आप एक वीडियो बनाई। तो आइडियली हर किसी के साथ होता है कि अगर आप सेम वही मिशनरी पोजीशन को यूज़ कर रहे हैं जो कि नॉर्मल ट्रेडिशनल पोजीशन है, तो आप थोड़ा सा बोर होने लगते हैं। अपनी सेक्स लाइफ को स्पाइस अप करने के लिए आज मैं आपको कुछ 3 से 4 पोजीशंस बताती हूँ जिसमें कि साइंटिफिकली थोड़ा सा डीपर पेनिट्रेशन हो सकता है, जो कि आपके सर्विक्स को टच करने में हेल्प करता है, तो आपका वो वाला स्पॉट भी इंड्यूस होता है। और कुछ ऐसी पोजीशंस होती हैं जो कि फीमेल्स के बहुत ही इरोटिक जोन, जिसे हम जी स्पॉट कहते हैं या जी जोन कहते हैं, उसे डायरेक्टली हिट करते हैं, तो उससे जो है दोनों पार्टनर्स को काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर हम पहली पोजीशन की बात करें जो कि मैं कहूँ कि जो कि विनर है, ये पोजीशन का मतलब है कि आप बहुत अच्छा सेक्स कर रहे हैं, और वो है पोजीशन 69। इसे किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसमें बेसिकली आप दोनों एक दूसरे के इंटिमेट एरिया को माउथ से टच कर रहे हैं, और ये फीमेल्स के लिए स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ओरल सेक्स से ही बेसिकली फीमेल्स का क्लाइटोरस स्टिमुलेट होता है और उनको ऑर्गेज्म आता है। तो ये पोजीशन वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस है और मेल्स को भी इसमें बहुत प्लेजर मिलता है। तो अगर आप अपनी सेक्स लाइफ टचअप करना चाहते हैं, स्पाइस अप करना चाहते हैं, तो ये पोजीशन तो आप ज़रूर इंक्लूड करें। दूसरी पोजीशन जो कि काफ़ी अच्छी है वो है डॉगी स्टाइल। साइंटिफिकली ये देखा गया है कि डॉगी स्टाइल में जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी डीप होता है, जिसकी वजह से जो फीमेल का सर्विक्स है वो भी इंड्यूस होता है या स्टिमुलेट होता है, और वहाँ के जो नर्व्स एंडिंग्स हैं वो भी टच होती हैं, तो उसकी वजह से फीमेल्स को काफ़ी डीप पेनिट्रेशन और काफ़ी अच्छा प्लेजर मिलता है। अगर कोई कंसीव करना चाहता है तो भी हम उसको ये पोजीशन गाइड करते हैं, क्योंकि ऐसे में जो सीमन डिपोजिशन है काफ़ी अंदर तक होता है। जो तीसरी पोजीशन है उसे हम जी विज पोजीशन कहते हैं, जिसमें आप नाम से ही समझ जाएंगे कि फीमेल का जी स्पॉट या जी जोन एरिया काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेट होता है। इसमें एक फीमेल बेसिकली अपने पैर अपने पार्टनर के शोल्डर के ऊपर रख देती है, जिसकी वजह से जो थ्रस्ट आता है या जो फोर्स आता है वो सारा फीमेल के ऊपरी हिस्से पे आता है या एंटीरियर वजाइनल वॉल पे आता है, जहाँ पे जी जोन होता है। ये जी जोन टच होने की वजह से फीमेल को काफ़ी इरोटिक सेंसेशन आते हैं और काफ़ी प्लेजरेबल फीलिंग आती है। तो ये हो गई हमारी तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन। और चौथी पोजीशन जो हम कहते हैं प्रैक्टिकली करने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, बट काउगर्ल या रिवर्स काउगर्ल जिसे कहते हैं, या वुमेन ऑन टॉप पोजीशन भी जिसे हम कहते हैं, ये पोजीशन बेसिकली फीमेल्स मेल के ऊपर रहती है, और इससे थोड़ा सा आप कह लें एक साइकोलॉजिकल डायनामिक्स भी चेंज होते हैं। मेल को लगता है कि वो एक पैसिव पार्टनर है और फीमेल मोर एक्टिव पार्टनर का रोल लेती है, और प्लस इसमें कुछ एंगुलेशन ऐसा होता है कि फीमेल के जी जोन पे भी ये अच्छे से हिट करता है, तो ये पोजीशन भी काफ़ी अच्छी और इरोटिक पोजीशन है। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसे तो बहुत सारी पोजीशंस मेडिकल लिटरेचर में भी हैं, बट कई बार आपका क्या आप कह लीजिए आपके लिंग का क्या एंगल है, क्या साइज़ है, और फीमेल का जो वजाइना का कैनाल है वो किस एंगल पे है, उसके हिसाब से बहुत सारी पोजीशंस अलग अलग हो सकती हैं जिसमें आपको ज़्यादा प्लेजर मिले। बट यूजुअली एक नॉर्मल जो एंगल देखते हुए ये पोजीशंस, ये 4 पोजीशंस वन ऑफ दी बेस्ट पोजीशंस हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपका साइज़ कुछ अलग सा है, कुछ थोड़ा सा ही राइट तरफ या लेफ्ट तरफ कुछ ज़्यादा ही डेविएटेड होता है, तो हो सकता है आपको कुछ और भी पोजीशंस हों जो कि आपको बेटर लगे। ये एक नॉर्मल हमने बताई है यहाँ पर डिस्कस करी है कि इनसे जो है आपकी सेक्स लाइफ भी स्पाइस अप होगी, सीमन डिपोजिशन भी काफ़ी अंदर होता है, और जिससे कंसीव करने में भी काफ़ी चांसेस रहते हैं।
होपफुली आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू और धन्यवाद।